दुकान के सामने ई रिक्शा खड़ा करने पर हुए विवाद में सब्जी विक्रेता ने दो साथियों की मदद से चालक पर हमला बोल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लकड़गंज थाने में सब्जी विक्रेता सहित 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। घायल कुंदन लाल गुप्ता नगर निवासी ई रिक्शा चालक श्यामराव पराते हैं। श्यामराव ने रविवार को दोपहर 3:15 को इतवारी के नेहरू पुतला चौक में एक सब्जी विक्रेता के सामने अपना ई रिक्शा खड़ा किया। सब्जी विक्रेता ने श्यामराव को दुकान के सामने से ई रिक्शा हटाने को कहा। इस बात पर सब्जी विक्रेता और श्यामराव के बीच विवाद हो गया और तैश में आकर सब्जी विक्रेता ने दो साथियों की मदद से सब्जी काटने की चाकू से श्यामराव पर हमला कर दिया। हमले में श्यामराव गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनांक 4/4/2021 रोजी नेहरू पुतळा अनाज बाजार इथे एक भाजीपाल्याचं दुकान लागलेलं होतं आणि त्याच्यासमोरून एक ई रिक्षा चालक श्यामराव पराते हे जात होते। त्या दुकानाच्या समोर त्याने ई रिक्षा उभी केली, ह्याच्यावरून दोघांमध्ये थोडासा वाद झाला आणि त्या वादातून जो भाजीपाल्याचा दुकानदार होता रोहित बागडे याने ई रिक्षा चालकाला तळहातावर त्याच्याजवळ जे फणस कापण्याचं शस्त्र होतं त्याच्याने वार केलेला आहे। हमले के बाद सब्जी विक्रेता अपनी दुकान समेट कर साथियों समेत भाग गया। 3 आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।